चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। द्वारका जिले की नजफगढ़ थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह शख्स वास्तव में एक सातिर वाहन चोर है और इसे द्वारका जिले की नजफगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नजफगढ़ थाना पुलिस समय समय पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए रोको टोको अभियान चलाती रही है, जिसके अंतर्गत इलाके में दिखने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ की जाती है। इसके साथ ही जेल से बेल पर बाहर निकलने वाले अपराधियों पर भी पुलिस निगाह बनाए रखती है, जिससे कि अपराधी जेल से बाहर आने के बाद दोबारा से अपराधों में लिप्त न हो जाएं। और इसी सिलसिले में नजफगढ़ थाना पुलिस ढांसा बॉर्डर पर जब वाहनों की आवाजाही पर नजर रख रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक वहां से निकला। पुलिस ने जब पूछताछ के लिए उसे रोका, तब वह मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। सतर्क पुलिस टीम ने युवक का काफी दूर तक पीछा किया और उसे धर दबोचा। युवक के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसकी FIR छावला थाने में पहले से ही दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया। युवक नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर इलाके का रहने वाला है और इस युवक की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ऐसे ही अन्य मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच करेगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।